क्या आप अपने घर का स्टाइल, फंक्शनैलिटी और ब्यूटी को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आज इस वीडियो में हम कर्टेंस को सही तरीके से लगाने के सारे रूल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग कर देते हैं और कैसे आप आराम से फिक्स कर सकते हैं। एक अच्छे से लगे हुए कर्टेंस एक रूम का पूरा लुक चेंज कर सकते हैं, पूरी वाइब बदल सकते हैं। और वही गलत तरीके से लगे हुए कर्टेंस भले ही आपने कितना अच्छा फैब्रिक, कितना अच्छा मटेरियल यूज किया हो, वो पूरे रूम को एक चीप लुक दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपने डोर विंडोज के लिए आप परफेक्ट लुक अचीव कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स भी हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीति तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। दो टाइप के मेनली हार्डवेयर होते हैं, एक तो चैनल पे लगते हैं कर्टेंस और एक कर्टेन रॉड्स होती है। एक सीलिंग हंग होते हैं और एक वॉल हंग, वॉल के फेस पे जो हमारे कर्टन रॉड्स लगते हैं वो होते हैं। आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर से यूज करने चाहिए। जैसे अगर हाफ इंच का रॉड अगर आप ले लेंगे तो वो कुछ टाइम बाद सैक कर जाते हैं कर्टन के वेट की वजह से, इसलिए आप कम से कम एक इंच डाया का रॉड ही लगाएं। वो मीडियम से हैवी लोड कर्टन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। और हमेशा जब भी आप हार्डवेयर लेने जाते हैं तो सारा एक सेट एक साथ खरीदना चाहिए, कभी भी दो सेट की चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। दो मेन फिनिशेस आती हैं कर्टन रॉड्स में, SS की फिनिश और आयरन की फिनिश। आयरन में आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, गोल्ड, ब्लैक, वाइट और कुछ वुडन फिनिश में भी मिल सकते हैं। डबल कर्टन रॉड्स भी आती हैं जिनको आप डबल पर्दे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, जिनमें आप एक रॉड पे शेयर कर्टन्स लगा सकते हैं और दूसरे रॉड पे आप ब्लैकआउट कर्टन लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है और रोशनी भी पूरी मिल जाती है आपको। अब हम फिनियल्स के बारे में बात करते हैं। फिनियल्स लट्टू जो कर्टन रॉड के एंड पे लगते हैं, तो आपको कभी भी वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी या कुछ बहुत ही कार्विंग है, कुछ डेंस डिजाइन बना हुआ है, कुछ ब्राइट कलर्स के हैं, ऐसे नहीं यूज करे, क्योंकि कुछ डिजाइन थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड्स में आती है उसके बाद चली जाती है और बाद में वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आपको हमेशा सिंपल डिजाइन चूज करना चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, एवरग्रीन हो। अब हम कर्टन रॉड की विड्थ के बारे में बात करते हैं कि आपको कितना बड़ा कर्टन रॉड या चैनल लेना चाहिए अपने डोर या विंडो के लिए। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग एकदम जस्ट ओपनिंग के साइज का कर्टन रॉड ले लेते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप पर्दे हटाना चाहते हैं, डोर हो या विंडो हो, तो पर्दे पूरे नहीं हटेंगे, वो दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर ही रहेंगे हमेशा। दूसरी चीज, आपको पूरी रोशनी नहीं मिलेगी कभी भी, खिड़की आपकी आधी बंद रहेगी और ऐसे कर्टन्स की वजह से खिड़की का और दरवाजों का साइज छोटा भी लगने लगता है। तो इसलिए हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो भी आपकी ओपनिंग है, डोर की है या विंडो की है, उससे दोनों साइड पे 3 से 6 इंच बड़ा आपको आपका रॉड या चैनल लेना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपकी विंडो 6 फीट की है तो आपको कर्टन रॉड कम से कम 6.5 से 7 फुट का लेना चाहिए। जब आप बड़े रॉड लगाते हैं तो आपके पर्दे पूरे साइड में खुल सकते हैं, पूरी रोशनी आएगी आपके रूम में और ये आपके रूम को एक ब्राइट लुक देंगे और इससे आपके डोर और विंडो के साइजेस भी बड़े लगते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने विड्थ की बात कर ली कि रॉड की क्या विड्थ होनी चाहिए, अब हम कर्टेंस की विड्थ की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 4 फीट का स्टैंडर्ड विड्थ होता है हमारा कर्टेंस का, ठीक है। अगर आपकी विंडो 6 फीट की है तो आपको कितने कर्टेंस लेने चाहिए? अगर आपका आंसर 2 है तो बिल्कुल गलत है, आपको कम से कम 3 या 4 कर्टेंस लेने चाहिए। 4 लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके जो कर्टेंस हैं वो फ्लैट और डल दिखाई दे। कर्टेंस लगने के बाद भी फुल दिखने चाहिए, उनके जो कर्व्स हैं वो प्रॉपरली बने हुए होने चाहिए, फ्लैट ऐसे चद्दर लटकी हुई है ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए आपको जो भी आपका विड्थ है विंडो का, उससे 2 से 3 गुना बड़ा कर्टन का चौड़ाई होना चाहिए। ऐसे फ्लैट लगे हुए कर्टेंस रूम को बहुत ही डल लुक देते हैं और चीप लुक देते हैं, तो आपको हमेशा 2 से 3 गुना बड़ा साइज ही कर्टेंस के लिए लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमको ये देखना है कि हमको कर्टन रॉड या चैनल किस हाइट पे लगाना चाहिए। अगर आप सीलिंग पे लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप सीलिंग पे नहीं लगाना चाहते, वॉल पे लगाना चाहते हैं, तो आपको किस हाइट पे लगाना चाहिए? तो जो भी आपका ओपनिंग है, डोर है या विंडो है, लिंटल, वहां से सीलिंग तक की जो स्पेस है, या तो आप उसका सेंटर लें, वहां पर आपका कर्टन रॉड या फिर चैनल लगाएं, या फिर आप उसका 1/3 ले सकते हैं, नहीं तो आप सीलिंग से 2-3 इंच लेके उतना ले सकते हैं।
विंडोज के लिए भी सेम रूल ही फॉलो होगा। विंडोज के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप विंडो की हाइट के हिसाब से, विंडो के सिर के हिसाब से छोटे कर्टन लगा देंगे, नहीं, जितना आप डोर के लिए बड़ा कर्टन लगाएंगे वही सेम साइज आप विंडो के लिए भी लगाएंगे। कभी भी ये छोटे बड़े कर्टन एक रूम में बहुत ही बेकार लुक देते हैं, इसलिए हमेशा आपको सेम ही साइज के कर्टन यूज करने चाहिए। जब ये कर्टन का वर्टिकल कर्व और ये लाइंस दिखाई देती हैं तो ये रूम को बहुत ही टॉल और स्पेशियस लुक देती हैं। कभी भी कर्टन खरीदने से पहले आपको कर्टन रॉड की अपनी हाइट डिसाइड कर लेनी चाहिए कि कहाँ पर आप कर्टन रॉड लगाने वाले हैं, उसके हिसाब से फिर आप अपने कर्टन का साइज डिसाइड कर सकते हैं। अब हम कर्टन के ड्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। कर्टन के ड्रॉप्स तीन टाइप के होते हैं, फ्लोट, किस और पडल। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, फ्लोट मतलब जो भी हमारे रेगुलर घरों में हम लगाते हैं, फ्लोर से वो 2-3 सेंटीमीटर ऊपर रहता है कर्टन, फ्लोर को टच नहीं कर रहा होता, ऊपर ही फ्लोट कर रहा होता है। ये बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं, मेंटेनेंस कम है, जल्दी गंदे नहीं होते, तो आप इस ऑप्शन के साथ आराम से जा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है किस ड्रॉप्स, इसमें क्या होता है कि कर्टन फ्लोर को ऐसा लगता है कि टच कर रहे हैं, वो जस्ट 1-2 mm का डिफरेंस होता है फ्लोर और कर्टन के बीच में, तो ये अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि इसके लिए बहुत ही एग्जैक्ट डायमेंशंस होंगी और उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसी लुक अचीव कर सकते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि ये बहुत ही कस्टमाइजेबल और बहुत ही सुंदर लुक देते हैं और ये फ्लोर टू सीलिंग एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करते हैं जिससे रूम बड़ा दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है पडल कर्टन्स। तो जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये 2-4 इंच बड़े होते हैं, फ्लोर पे एक्सेस फैब्रिक रहता है 2-4 इंच तक, बट आप उससे ज्यादा फैब्रिक ना लें क्योंकि नहीं तो फिर वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कस्टमाइज करके इंटेंशनली बनवाना है, तो ऐसा लगेगा जैसे गलती से वो बहुत बड़ा सा बन गया है और वैसे ही आपने छोड़ दिया है। बट अगर आपके घर में बच्चे हैं और पेट्स हैं तो आई वुड सजेस्ट आप इस ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि ये डस्ट और डर्ट काफी कलेक्ट होता है इस टाइप के कर्टन में, तो इनको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इस स्टाइल के साथ मोस्टली हैवी फैब्रिक्स यूज होते हैं जैसे कि वेलवेट। चलिए अब हेडरेस्ट की बात करते हैं। हेडरेस्ट होता है कि ऊपर आपके कर्टन कैसे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं बट मोस्ट कॉमन 3 टाइप के हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। रिपल स्टाइल, पिंच स्टाइल एंड गोर्मे स्टाइल। गोर्मे स्टाइल वो है जो हमारे मोस्टली घरों में यूज होता है, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हमारी आईलेट्स और रिंग्स के ऊपर, जो रिंग्स आती हैं कर्टन रॉड्स के अंदर, इसमें एस जैसा कर्व बनता है, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ऐसे स्टाइल के साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये लगाने में बहुत स्मूथ नहीं होते, आपको थोड़ा सा खींचना पड़ता है लगाते हुए भी हटाते हुए भी, और दूसरा जो इसके कर्व्स हैं वो आपको वापस मेंटेन करने पड़ेंगे खुद से, वो अपने आप सेट नहीं होते हैं, उनको आपको सेट करना पड़ेगा। बट आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप इनकी कर्व्स को मेंटेन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अब पिन स्टाइल की बात करते हैं। ये एक क्लासिक लुक है, इसमें हुक्स लगे होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से इसका ट्रांजिशन खोलना बंद करना बहुत ही स्मूथ होता है। इसे आप रिंग्स के साथ या चैनल्स दोनों पे यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके जो फोल्ड्स होते हैं वो कभी मैसअप नहीं होते, वो एग्जैक्टली वैसे ही बने रहते हैं, आप आराम से उनको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक बहुत ज्यादा थिक है तो आपको रिपल फोल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक फैब्रिक के साथ पिन स्टाइल काम नहीं कर पाता है। अब रिपल स्टाइल या एस फोल्ड की बात करते हैं। इसमें फैब्रिक में एस शेप के कर्व्स बनते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट लगते हैं। इसमें भी पीछे वो हुक्स लगे होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, जिससे ये मैसअप नहीं होते, इनके कर्व्स हमेशा एकदम एक स्टाइल में बने रहते हैं, और इनको ये मोस्टली चैनल्स पे लगते हैं, और इनको लगाना और हटाना बहुत ही आसान होता है। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको नहीं पता थी इस वीडियो में। तो चलिए अब एक्स्ट्रा टिप की तरफ चलते हैं। प्रेफरेबली आपको कर्टन्स कस्टमाइज ही करवाने चाहिए, रेडीमेड नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस फैब्रिक के मिल जाते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उनको अपने हिसाब से हैवी या लाइट ले सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने एक्यूरेट साइज का बनवा सकते हैं उसे। अगर आप कस्टमाइज नहीं करवा सकते हैं, आपको रेडीमेड ही लेना है, तो हमेशा डोर विंडो से बड़े साइज का लें, ताकि कुछ कस्टमाइजेशन का स्कोप तो रहे आपके पास। दूसरी टिप है,
कि आपको कभी भी बहुत ज्यादा ब्राइट और सॉलिड कलर के कर्टन्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली छोटे रूम्स में। कुछ कलर और कुछ पैटर्न्स बहुत थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड में आते हैं और उसके बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं, तो आपको ऐसे कलर चूज करने चाहिए, कुछ सॉफ्ट न्यूट्रल कलर्स जो कि एवरग्रीन हो और हमेशा आपके जो भी फर्नीचर का स्टाइल है, जो भी आपने कलर थीम ले रखी है अपने रूम की, उसके साथ जाए। अगर आपको इंटीरियर के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए आप इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।